वेलकम टू ईशानी वीडियोस। वैसे आप बेपनाह प्यार देखते ही होंगे। आने वाले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट आने वाला है और उसी बेहतरीन ट्विस्ट को बताने के लिए हम आपके सामने आ चुके हैं। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर रघुवीर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चली रही है, जैसा कि आपने देखा ही है। और यहाँ पर वो बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करते रहता है और वहाँ पर वो बानी को खुद को ऐसा वजह मानने लगेगा आने वाले एपिसोड में कि उसी की वजह से जान गई है। लेकिन अभी तक बानी के पास जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावला है और वहीं दूसरी तरफ प्रगति जो उसे यहाँ पर ठीक करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अब उसी को ठीक करने के लिए आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि किस प्रकार से बानी का एक लास्ट मैसेज यानी आखिरी संदेश जो रहेगा वो यहाँ पर प्रगति को पता चलेगा और उसी को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो मेहनत करेगी। लेकिन तभी यहाँ पर बीच में काफ़ी ज़्यादा तकरारें होंगी। तकरार कैसी चली आपको बता देते हैं। एक तरफ रघुवीर, दूसरी तरफ रघुवीर की फैमिली और वहीं बानी का सबसे बड़ा सच। अब यहाँ पर बानी का सच जानने के लिए प्रगति काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगी। उसके बीच में आएगा रघुवीर, क्योंकि यहाँ पर वो रघुवीर को बार बार बचाना चाहती है और बानी का सारा सच सबके सामने लाना चाहती है। और बानी के साथ में जो हुआ था उस घर के अंदर, वैसा ही होने वाला है प्रगति के साथ में भी। और कुछ घर वाले हैं जो कि दुश्मन बने हुए फिर रहे हैं। आखिर में यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आने वाला है और रघुवीर को फिर से जो सब कुछ वो भूल चुका है वो सब याद आने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा वो आपको देखने को जल्दी ही मिलेगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस ट्विस्ट को देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। और पिछले जो कैरेक्टर्स थे आए थे वो चले गए हैं, वो वापस आने वाले हैं लेकिन एक बहुत बड़े धमाके के साथ में, और वो धमाका आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड और इस ट्विस्ट को देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और वैसे अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि उनको भी पता चल सके। और वैसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू।